पता नहीं क्या ही करना चाह रहे अपने देहरादून में ना हो यार इतना कंस्ट्रक्शन, बेकार हो जाएगा यार सीन। वो वैसे ही सही लगता है ना, कपड़े कपड़े नहीं है यार, और बहुत दिक्कत है। मतलब ये जीन्स भी बहुत पुरानी हो गई है, तो मैं सोच रहा था अगर कुछ मिल जाता तो। रब ने तुझको है बनाया सिर्फ मेरी खातिर, रूप भी सवारा तेरा सिर्फ मेरी खातिर, और सिर्फ तेरी खातिर अपने शहर में अनजान रहा मैं, जैसे कोई बंजारा या फिर घूमे कोई काफिर। सो जो भी तेरे बाद मिला या जो भी तेरे साथ मिला, मैं दर 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 भड़का भी पर मुझको सब बर्बाद मिला, और अंत में जाके कोने में बैठा लिखा ये गीत मैंने, डाले कुछ शब्द जोड़ा दर्द दिल संगीत मैंने, मेरे अल्फाज मुझको मुँह ज़बानी याद है, मेरे ही गीत मुझसे करते ये फरियाद है कि निकल जंजाल से, जात पात का खेल न सौखा, ना ही धर्म कोई रूप रंग का भेद अनोखा, पर जब चलती है मेरे कागज़ पे कलम तो बस रब देखता है मेरे नूरे करम को। दिस इज समथिंग आई रोट फ्यू मंथ्स अगो, हिंदी उर्दू। मैं चाहता हूँ कि मुझे बस 15-20 मिनट दे दें स्टेज पे ना, इंट्रोड्यूस मी टू एन ऑडियंस जहाँ मुझे कोई जानता ना हो, और बस आधा घंटा दे दो, और वो हिंदी समझने चाहिए बस, बाकी खेल मेरा घुमा दूंगा। वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट में वो एक बीट चलती है ना, यू हैव टू डू कि अगर सब कुछ सब प्रॉब्लम में है तब भी आपको ऐसा करना है, ऐसा कुछ। वो मैं दिमाग से उतर गया, वो बहुत कैची लगता है मुझे वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। वो ये कि अभी कल मैं ये भी सोच रहा था यार कि मैं कमर्शियल लिखना स्टार्ट करता हूँ साइड बाय साइड, पर फिर वही है कि कमर्शियल लिखने में ना टाइम नहीं लगता। अब कुछ भी लिख दो, अगर बढ़िया स्टूडियो है और पीछे बढ़िया नाम है तो वो चली जाएगा, मतलब ऐसा वाला सीन है। तो अब 5 साल से लोग बोलते हैं कि भाई ये लड़का ट्रैश नहीं लिखता, तो वही चीज़ मुझे कंटिन्यू करनी है कि भाई ये लड़का ट्रैश नहीं लिखता। अगर मैं कमर्शियल भी कर रहा हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए यार, और हो ही रहा है। आई मीन मैं सबसे 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 सही बात जो मुझे लगती है वो ये है कि रैप सीन थोड़ा चेंज हो रहा है, वो बहुत खुशी है, क्योंकि कुछ भी है लोगों को वो पता है कि कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है। उस बात के थोड़ा दिल में लगता है कि आह हो जाएगा। पैसा पैसा देख के यार बदलते हैं क्या, बिना गलती की झुकते ये पलके हैं क्या, बंद फाटक अपनी अकल के हैं क्या, जो तू पागल बनाएगा हल्के हैं क्या। देख के यार बदलते हैं क्या, बिना गलती की झुकते ये पलके हैं क्या, बंद फाटक अपनी अकल के हैं क्या, जो तू पागल बनाएगा हल्के हैं क्या। यूके की राजधानी रुकेगी बात यानी, सब ठीक पर छूटे की सावधानी, प्यार से नहीं माना उसने मुके की बात मानी, फोन पे लगा हुआ बोले हाँ हनी तेरे पास मनी, मैं खाली हाथ फिर भी औकात बनी, तेरे पास मनी मेरे पास है नहीं, मेरे पास भाई मेरे, तेरे काम को 100 में से 2.5 दे रहे, तेरे आई मीन तेरे काम को 100 में से 2.5 दे रहे, क्या था मैं तेरे काम को 100 में से 2.5 दे रहे, मेरे गाना हिट सबको मिठाई दे रहे, क्या गलत काम मुझे ही दिखाई दे रहे, पाप करे सब बोले हे साईं मेरे, हाथ सारे से ना अपना हटाए मेरे। देश एक है यह कल की बात, देश एक है तो क्यों लव जिहाद, देश एक है क्यों पूछे क्या है जात, देश एक है क्यों नौटंकी आज, फन की बात नहीं ढंग की बात, जो पावर में है सब सन की साठ। Yeah, there we go.
समझ गए चीन समझ गए ना तेरे नेता के बारे में बोलूं तो मीन समझ गए ना नेता भी शातिर सत्ता में आने का सीन समझ गए ना और पब्लिक को पट है जो है भक्ति में लीन समझ गए ना जनता अधीन समझ गए ना नेता रंगीन समझ गए ना ए घोटाला करके सब खाते हैं क्लीन समझ गए ना आई मीन ठीक है पैसा देख पैंचो हुक सही है ना होपफुली वही पैड है राइटिंग पैड आई मीन सी ना कोई प्रोड्यूसर ना किसी एक्टर की पैदाइश ना ही दुनिया से कुछ अलग करने की मेरी ख्वाहिश इसी बट इस सोसाइटी से परे एक दुनिया है अलग सी आई डोंट नो दीदार मैं कोई साधु संत नहीं ना मैं कोई धर्मात्मा एक हार्ड मास का पुतला मैं प्योर जिसकी आत्मा और आदत मेरी जैसी भी तू चुप रह के बर्दाश्त कर शिव शंभू का भक्त हूँ तो दूर रह के बात कर सी आई डोंट नो ये मैंने कब लिखा है बट ये डायरी बहुत पहले की है सोया तेरे में जो रिश्ता ओ अबे ये रैप मैं भूल तेरे भाई ये रैप तो तेरा मेरा रिश्ता पुराना हो गया तेरा सपनों में मेरे आना जाना हो गया आँख चार का ये चुप से दिल भी लगाया सो डैम गर्ल तेरे में दीवाना हो गया सो मुश्किल इस दिल को बचाना हो इस वाले लाइक फॉर एन एग्जांपल दिस टुक मी लेस देन वन मिनट टू कंपोज दिस दिस इज नॉट अभी तक नहीं लिखा गया वो वाइब्स ही नहीं आई कि इसको करूँ तो दो नो कौन कैसा रखते चल Man, in my younger days, this dream was so much fun to chase. रुके की राजधानी रुके की बात यानी सब ठीक पर छुटे की सावधानी प्यार से नहीं माना उसने मुके की बात मानी फोन पे लगा हुआ बोले हाँ हनी तेरे पास हनी तेरे पास मनी मैं खाली हाथ फिर भी औकात बनी तेरे पास हनी तेरे पास कौन कैसा रख के चल मेरे शहर में जरा सा ढक के चल मेरे दिन का मैं रखूँ मेरे साथ कौन देख के तू हैरा क्यों मैं हैरा क्यों ना तू क्या रहूँगी उसे तो पता चल कि नहीं होगा हाँ सुबह के पौने चार में कागज और कलम बस ढूंढू रोज सिक राइम्स में राइम्स का कोलंबस और हम बस वो नहीं जो चल रहे जमाने में जमाना मुझसे पीछे है जमाने की कलम बस जो मुझको करना वो तो कर रहा मैं तुझको लग रहा डर रहा मैं अबे मैं खुद का करता धरता खुद से लड़ता खुद पे मरता मुझसे सड़ता मरता मरता क्या ना करता लड़का लड़के गिरता गिर के उठता फिर संभलता फिर से लड़ता फिर वही क्या बीती है वैसे जिंदगी से प्यार मुझे चलूं 40-30 पे पर कभी कभी गाड़ी जैसे GTA शुक्रिया 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 समोसे खाए चाय से इसमें सेका नहीं है क्या या सेका है ना Lit as fuck, homie.
ऐसा कुछ चाहते हैं मुझसे ना कि लिट एज फक होमी ब्रा दिस शिट इज डोप ब्रा कुछ पर वो सब मुझसे होता नहीं है. अच्छा काम है तो अच्छा काम है, गलत काम है तो गलत काम है. अब हमारा ऐसा है नहीं ना यार कि दिस शिट इज डोप ब्रा, लाइक दे आर नॉट इवन सेइंग ब्रो, दे आर सेइंग ब्रा. ब्रा कुछ और होता है बट दे लाइक ब्रा हल्का और पता नहीं क्या गया. अरे आप जितना असली बन के रहोगे ना, जितना रियल, वो आपकी आर्ट फॉर्म उतनी पॉलिश होती जाएगी होती जाएगी. इसलिए देयर सम पीपल जो जो ना जो मुझसे हल्का सा डरते हैं, दे डोंट वांट कि मैं उनके सामने आके रैप कर दूं, बिकॉज दे आर दे से दैट दे आर रैपर. दे डोंट वांट कि मैं उनके सामने हो जाऊं खड़ा और कुछ बोल दूं, बिकॉज दे नो कि वो मेरी बात काट नहीं पाएंगे. अब आई डोंट नो कि हाउ मेनी फक एंड हाउ मेनी ईयर्स यू आर बीन इन दिस, ऐसा कुछ सीन नहीं है. Rap is something I believe that it's God gifted to me because I stammer when I talk. I was watching your videos. हाँ. नीचे लोगों ने कमेंट किया, the most underrated artist is Vivek. Yeah, I mean हो सकता है, because some people think my way and they know that they should be, you know, in big platform. Yeah, मैं नहीं तो मेरे गाने ही सही. But I don't know. You stammer when you speak. I stammer when I speak. This is like अब देखो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो इतना भी हो जाता है, एंड आई डोंट नो मैन हाउ द फक एंड मैं कैसे इतनी तेज़ रैप मार देता हूँ. कभी कभी तो मुझे लगता है कि यार वो बीट भी चलती है ना कई बार, तो आपको वो कॉम्प्लीमेंट दे दो, आपको लगता है चल ठीक है, बट कई बार मैं कुछ नहीं बोल पाता यार. मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि चल ये बोल के दिखा, और मैं ऐसा होता फिर वो मुझ पर हंसती है, बोलती ये बनेंगे रैपर ऐसा वाला सीन. Writing about love is easy these days. I feel writing about everything is easy these days. But making sense out of it, it's real hard. फिर आर से रैप पढ़ा, फिर झूठे प्यार से गैप पढ़ा, फिर 21 साल की उम्र में दी मैंने रिस्पेक्ट बढ़ा, सीखा दिन दुनिया के अच्छे बुरे को मैंने, अहल के में और कल के हैं वो बंदे, कस्टल के उनके बिंदल के हैं ईमान के, इज्जत के बर्तन दोनों ही खाली हैं, जाली है सर पे टोपी गांधी की पूरे मवाली है, ताली है भाषण में कहते महिलाओं को सम्मान दो, घर पे आके कहते हैं साली आदि घरवाली. खुद के बारे में बोलने की कम है अब ज़रूरत, पर मैं बोलूँ कम बोलूँ जब बोलूँ मैं बोलूँ महूरत पर, मैं जो भी करता हूँ निपटा दूँ वो हल्के से धीरे में, काम ही हल्ला कर दे ला कर दे संधेरे में घेरे में लेके सबको मैं उड़ाता मैं रंग चेहरे के, वक्त नहीं है सुनने का संचार उनकी आप बीती का, भाषण नहीं दे रहा मैं ना ही गुरु बनना है, जाते जाते सुनते जाओ समाचार थोड़ा, घोड़े की टांग को तोड़े सोने की खान को जोड़े, छोटे मकान से बड़े मकान में जाके आराम से सो रहे वो खा के हराम की रो रहे, काजू बादाम से हो रहे वो थोड़े सामान को जत के दाम में बोले परेशान की हो रहे हो, कभी कभी ऐसा लगे हमें चलो इस पार्टी को वोट दें, हाल ऐसे हैं कि सब झूठी उम्मीदें छोड़ दें, नेता है नेता क्या है बस लेता है कम देता है, बाहर सबसे ऐठा है वो नेता का बेटा है, देहरादून का मेरा खून तू बिना बात गाली दे रहा क्यों, मैं जब भी रैप करूं बेहुदा सवालों का घेरा क्यों, क्या और कैसे कब लिखा ये गाना क्यों लिखा कैसे, जब प्रॉफिट नहीं हो रहा रैप पे क्यों लग रहे हैं पैसे, पर मेरी अनशन सी बातों पे थोड़ा सा गौर करो, मेरी डर्टी डर्टी हैबिट्स को एक काम करो इग्नोर करो, तेरा पीछा करना गलत नहीं. यहाँ पे पहली बार मैंने मैगी खाई है, सही लग रही है भैया. Do you feel lucky that you are facing tough times so that you can write in future? अरे सी ये तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये सब नहीं होगा तो मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं आएगा, फिर मैं क्या लिखूँगा. अगर मेरे पास ये नहीं है, अगर मैंने अपने छोटे भाई को और अपनी मम्मी को इस कंडीशन में नहीं देखा तो फिर मैं क्या लिखूँगा. अगर मैंने अपने आप को ऐसे नहीं देखा तो मैं क्या लिखूँगा फिर. अगर मैं बहुत बड़ा कोई आदमी होता तो यार मैं क्या मैं क्या कर रहा होता, मैं बस यही सोच रहा था कि आज पार्टी में ये वाली टाई पहनूं या ये वाली टाई पहनूं, कुछ काम की बात ना होती. जहाँ पापा सबसे पहले काम करते थे बॉम्बे टाइम, जो कंपनी बंद हो गई है उसके यहाँ के शोरूम के कुछ मालिक मालिक तो ये आए थे और कह रहे हैं कि तुम
प्राइवेट कर लो, और कोई जहाँ मेरे पापा काम करते थे कपड़े की शॉप पे वहाँ पे काम कर लो। अभी मेरी उम्र 22 साल है, डैड की कुछ सेविंग तो थी नहीं सबसे, तो मैं अब ये भी है कि भाई सोर्स ऑफ इनकम होनी इम्पॉर्टेंट है, पर जो उनका सपना है वो मिले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब क्योंकि मैं कमा तो लूँगा ही, मैं पहले भी कमा रहा था, कॉल सेंटर की जॉब है या किसी होटल में लग जाओ, या फिर मेरी अप्रैल में मार्कशीट मुकशीट आ जाएगी फिर मैं किसी हॉस्पिटल में लग जाऊँ, पर उनका सपना ये नहीं था। उन्होंने मुझसे यही बोला कि यार तू कोर्स कर ले ताकि एक बैकअप रहे तेरे पास, ताकि अगर तू रैपर नहीं बन पाया तो तू मतलब तो तू चल कम से कम भूखा तो नहीं रहेगा, मतलब एक तेरी जॉब तो होगी बढ़िया, तो बैकअप के लिए कर ले। बट मैं चाहता हूँ कि तू जो कर रहा है ना, जिसमें तेरी खुशी है या जो तेरा सीन है तू वही करे। और अब जब से ये सब हुआ है, मतलब डैड एक्सीडेंट में हुआ, वो सब मतलब लोग बोल रहे हैं एक्सीडेंट है, बट डॉक्टर ने बोला कि समबडी गेव हिम पॉइजन है, जो भी सीन था। तो अब लोग आ रहे हैं, देयर सेइंग दैट यू हैव टू क्विट थिंग्स, बिकॉज काफ़ी लोगों को पता है कि मैं रैप करता हूँ। और मैं बताऊँ, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ यार, कि अगर ये सब ना होता ना, कि मैं इंट्रोवर्ट ना होता, मुझे फोर्थ क्लास में बच्चों ने मारा ना होता, मैंने कपड़े सप्लाई ना किए होते, मैं इन चीज़ों से, अगर ये बेकार टाइम ना होता ना, तो मैं रैप ना कर पाता। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मैं रैप नहीं, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस है जो कि जिनका कोई कीमत ही नहीं है। मैं अपने आप को कई बार लकी भी समझता हूँ कि मैं अपने दो पैरों पर खड़ा हूँ और मैंने इतना सब कुछ झेल लिया, क्योंकि ग्वालियर के स्टेशन पर मैं सोया हूँ, सोना तो नहीं कहेंगे उसे, बेहोश हुआ हूँ, और लोग गंदा पानी जो होता है ना वो मेरे कपड़ों से होता हुआ जा रहा है, और मैं बेहोश पड़ा हूँ। आज मुझे वो दिन भी आ रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे पैसे चोरी हो गए थे, और मेरे साथ मेरा दोस्त आकाश, हम लोगों ने सिर्फ 3 दिन से सिर्फ 5 रुपये की गोलगप्पे खाए हैं, क्योंकि वहाँ पर गोलगप्पे सस्ते मिलते हैं, तो 3 दिन गोलगप्पे खाए हैं, व्यूअर बुरा हाल। और वो सब अगर ना हो पाए ना, तो आप फिर लिख नहीं पाते, तब फिर आप 1 से 21 जैसे गाने, या शुरुआत से जैसे गाने, या फिर मस्तक पे दस्तक जैसे गाने नहीं कर पाओगे, फिर आप अजीब से एक चीज़ कर पाओगे। क्योंकि मैं इसलिए नहीं करता कि एमिनम करता है, या मैं इसलिए नहीं करता या मुझे किसी को शो करना है, मैं बस इसलिए करता हूँ क्योंकि यार मुझे जो मेरे साथ हुआ ना, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिनके साथ हो रहा है और होगा आगे, क्योंकि कुछ लोग पीयर प्रेशर में अपना जॉब या अपना हॉबी छोड़ देते हैं, प्योर प्रेशर में कि यार छोड़। अभी जैसे कि जब से डैड का ये सीन हुआ है, आज 13-14 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन में 1500 लोग आए हैं जो यही कह जा रहे हैं कि यू हैव टू क्विट, बट जॉइंट फैमिली है मेरी और वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दे ऑल आर लाइक कि भाई तू कर, तू जो कर रहा है तू कर, क्योंकि एक तो उनका ये सपना था इसलिए, और वी बिलीव इन यू। बाल का मुझे ठंड लगने लगती है यार जैसे मैं इसे उतारता लॉक लॉक पे लॉक जब एक मिनट अली छूट जाए, एक मिनट पकड़ो, यूके की राजधानी रुके की बात यानी सब ठीक पर छूटेगी सावधानी, यूके की राजधानी रुकेगी बात यानी सब ठीक पर छूटेगी सावधानी, प्यार से नहीं माना उसने मुके की बात मानी, फोन पे लगा हुआ बोले हाँ हनी तेरे पास, हनी तेरे पास मनी या यूके की राजधानी रुकेगी बात यानी सब ठीक पर छूटेगी सावधानी, प्यार से नहीं माना उसने मुके की बात मानी, फोन पे लगा हुआ बोले हाँ हनी तेरे पास मनी, मैं खाली हाथ फिर भी औकात बनी, तेरे पास हनी मेरे पास हाँ भाई मेरे, तेरे काम को 100 में से 2.5 दे रहे, मेरा गाना हिट सबको मिठाई दे रहे, क्या सब गलत काम मुझे ही दिखाई दे रहे, लोग पाप करें बोले हे साई मेरे, हाथ सर से ना अपने हटाए मेरे, वाह दोस्त
आई थिंक पहली बार जो सुना था आई थिंक द अदर थिंग आई वाज स्ट्रक बाय बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ रैप हिप हॉप बीइंग पुश्ड इन इंडिया राइट नाउ एंड सीन ये है कि वो दैट रैप इज they're trying to copy the American ghetto, then they're trying to manufacture the American ghetto here. फिर इंडिया में ghetto कहाँ पे है? इंडिया का न्यूयॉर्क क्या है? इंडिया का न्यूयॉर्क बॉम्बे है. और बॉम्बे में ghetto, बॉम्बे का ब्रॉन्क्स कहाँ पे है? धारवी, the most fashionable slum in Bombay. तो उसे they're putting all their money कि यहाँ से कुछ ghetto create करेंगे with these kids are singing about the ghetto और उसमें एक अजीब तो authenticity वो आप manufacture जब कोशिश करते हैं तो authenticity चली जाती है. So I think one of the things with Vivek is that this is 1000% authentic and you know इसमें कोई जबरदस्ती इसने कोई ghetto करने की create नहीं कोशिश की है कि मैं ghetto से आ रहा हूँ या कुछ है. And he's just relating to his town, he's relating to his city, he's relating to the streets, he's putting that very proudly in his songs. And it doesn't have the, it's very different. So it's not that manufactured Dharavi sound, it's not selling some shoe, it's not, you know, it's not, what is the other rap? It's not that Punjabi rap, which also has now got a very cliched kind of feel, you know, those big cars and the girls and the just the male ego. So it, this this doesn't have that male ego. So you know, I that's another thing that really struck me. And then the words, yeah, the words. मतलब वही है कि फालतू के words भर नहीं रहा है. मतलब कई बार rap ये होता है कि this is me, this is me, this is me. I'm better than the rest. पंजाबी तो की दशा के क्यों लिखे मैंने क्यों खाए मैंने खाना जो था बिल्कुल फीका सा मैं आदत से मजबूर खाना खाता थोड़ा चटपटा तेरे गाने से बेटा दिमाग अपना खटखटा डर वचन सुनाए थे वो रंग बदल के आए थे वो दुश्मनों के साए थे वो हम शक्ल भी लाए थे बताए थे कायदे से कैसे करने वायदे न देखे मैंने फायदे वो घर पे मेरे आए थे वो गैस बिन बुलाए के अपने गाने गाए थे समोसे खाए चाय से चटनी के लेके जायके बजाइए बैठे मेरे पास मुझसे शेयर करें बात मेरे पीछे जाके आरोप लगाए थे फसाए थे उन्होंने मेरे अपने अपने चंगुल में सोचा था ऐसा करके मुझको वो हराएंगे पर आएंगे वापस मेरे करने वो शिकायतें and that's why I hate them वो इसी चीज के लायक है शहर मेरा क्या देहरादून ऐ पहले कह रहा था वही कह रहा हूँ ऐ तेरे गाने चल रहे हैं मैं बह रहा हूँ अगला धमाका तेरे शहर में कमिंग सून ऐ शहर मेरा क्या देहरादून ऐ पहले कह रहा था वही कह रहा हूँ ऐ तेरे गाने चल रहे हैं मैं बह रहा हूँ अगला धमाका तेरे शहर में कमिंग सून ऐ जो ये गाना है ना देखो मैं हिंदी में बोलता तो मैं कितना अटकता हूँ मैं वेल दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट नहीं अटकता बोले तो क्या क्या गाना ये सब साला इतना अटकने लगता हूँ कि पूछो ही मत तो यार ये तो मुझे सीन अपना बहुत वैसा लगता है और पीपी पीपल सी पीपी पीपी लोगों को बहुत ज़्यादा अमेज करती है ये चीज़ कि ना लोगों को अमेज करती है ये चीज़ यार कि मैं अटकता हूँ बोलने में और हिंदी में अटकता हूँ बोलने में देन आई एम डूइंग रैप इन हिंदी वो भी छोटे घर के लड़के घर में लड़ते सबसे लड़ झगड़ के अड़के धर पकड़ के बढ़ते सबसे ना पे सड़के लड़के मर के फटके पड़ते पड़ते कुछ नहीं पड़ती भर के ला पकड़ के जो भी अड़के तुझसे बोले ज़्यादा पड़ के तो अब उसमें मैं अटकता नहीं हूँ पर अगर मैं कुछ बात कर रहा हूँ चाहे मैं कुछ भी बोलूँ उसमें मेरी जान निकल जाती है चाय भी मम्मी अभी ना अरे यार थोड़ी चार नहीं थोड़ी तबीयत ऐसी हुई थी तो मैंने बस वो खाया अभी उतरते ही ना मैं पहुंच के कॉल करता हूँ बस पहुंच जाऊंगा मैं थोड़ी देर में ना ठीक है नहीं कर रहा चिंता कहाँ कर रहा हूँ ले भाई चाय पी भाई ने चाय पी तो बना लेगा ला वेला चला यार रे चला भी कम्मा ला हां आज का ही बस में चल जाए हां बस में चल जाए नहीं नहीं मैं देख रहा हूं नहीं जा रही बस और देना है ना वाला ओ भाई जान जान चलिए चलो रहने दे
पता नहीं क्या ही करना चाह रहे अपने देहरादून में ना हो यार इतना कंस्ट्रक्शन, बेकार हो जाएगा यार सीन। वो वैसे ही सही लगता है ना। मैं चाहता हूँ कि मुझे बस 15-20 मिनट दे दे स्टेज पे ना, इंट्रोड्यूस मी टू एन ऑडियंस जहाँ मुझे कोई जानता ना हो, और बस आधा घंटा दे दो और वो हिंदी समझने चाहिए बस, बाकी खेल मेरा घुमा दूंगा। जब डैड के साथ ऐसा कुछ हुआ ना तो मुझे उम्मीद थी कि उठ जाएंगे वो, तो उस तीन एक दो दिन के अंदर आई वॉज जस्ट, मैं भाग रहा था कि दवाई दवाई ये वो फलाना ढिमकाना, डॉक्टर कॉल्स फलाना ढिमकाना, मुझे पता था कि मुझे लगता था कि उठ जाएंगे बस, आई थॉट कि ही वॉज स्लीपिंग, ऑल दो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मेडिकल बट आई थॉट कि ही स्लीपिंग क्योंकि ही वॉज सो फिट, ही वॉज सो हैप्पी सो फिट। जब यार सुबह 4 किलोमीटर और रात को 4 किलोमीटर चलने वाला बंदा हल्की सी चोट लग जाए, एंड ही वॉज लाइक हेल्दी, ऐसा नहीं है लाइक फैट नहीं हेल्दी, ऐसा 5'9" 6" की हाइट थी और बढ़िया एज, सो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा क्योंकि आई वॉज नॉट नोइंग द कॉज। मैंने सोचा कि यार मे बी इनको किसी ने कुछ खिला पिला दिया हो एंड मे बी ही इज इन लाइक सो रहे हैं या किसी भी चीज़ में, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, व्हेन माय डैड व्हेन आफ्टर 2 डेज आई रोट अ सॉन्ग कॉल्ड मैं शेर हूँ, सो आफ्टर 2 डेज ऑफ दैट आई रोट अ सॉन्ग कॉल्ड मैं शेर हूँ, उसका वन वर्स मुझे दोबारा से री करना है। सो इट इज़ नॉट अबाउट के आई कैन सी आई कैन नॉट थिंक ऑफ लीविंग रैप बिकॉज इफ आई लीव इट देन वॉट आई कैन नॉट डू एनी थिंग, आई कैन नॉट डू एनी थिंग, आई एम लाइक जॉबलेस होमलेस फूडलेस मूडलेस सब कुछ लेस। इस क्लिप में खाना ही खाना आया, एक हाथ आ रहा है यहाँ से और कुछ कुछ आया। की राजधानी रुकेगी बात यानी सब ठीक पर छूटेगी सावधानी, प्यार से नहीं माना उसने मुक्के की बात मानी, फोन पे लगा तो बोले हाँ हनी तेरे पास हनी तेरे पास मनी, मैं खाली हाथ फिर भी औकात बनी, तेरे पास हनी तेरे पास मनी तेरे पास हनी मेरे पास हाँ, भाई मेरे तेरे काम को 100 में से 2.5 दे रहे, मेरा गाना हिट सब को मिठाई दे रहे, क्या सब गलत काम मुझे ही दिखाई दे रहे, लोग पाप करे बोले हे साईं मेरे हाथ सर से ना अपने हटाए मेरे, वाह देश एक है सुना मैंने कल की बात देश एक है, काय का ये लव जिहाद देश एक है, कौन पूछे क्या है जाद देश एक है, नौटंकी आज सब फन की बात नहीं ढंग की बात, जो पावर में बैठे वो सन की साथ ये। जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना तेरे नेता के बारे में बोलूं तो मीन, समझ गए ना नेता भी शातिर सत्ता में रहने का सीन, समझ गए ना पब्लिक पोपट है जो है भक्ति में लीन, समझ गए ना जनता अधीन, समझ गए ना नेता रंगीन, समझ गए ना घोटाला करके सब खाते में करना क्लीन, समझ गए ना ए, नेता को भी कितना मैं बोलूं जनता का भी खोट है, गाने कैसे फिट हो रहे ये सेल्फी एंड शॉट, पैसा देख के यार बदलते हैं क्या बिना गलती के, झुकती ये पलके हैं क्या बंद फाटक अपनी अकल के हैं क्या जो तू पागल बनाएगा, हल्के हैं क्या देख के यार बदलते हैं क्या बिना गलती के, झुकती ये पलके हैं क्या बंद फाटक अपनी अकल के हैं क्या जो तू पागल बनाएगा है? देहरादून का मेरा खून मेरे साथ कौन देख के तू हरा क्यों, हमें रास्ते में देख के तू ठहरा क्यों, बिन वास्ते के